हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पिदाहान एंड यू आर वाचिंग सिविल इंजीनियरिंग बेसिक फॉर यू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। और आज के हमारे पास साइड पे स्टील बीम का काम हो रहा है, जो चूंकि हमारे पास मस्जिद की स्लैब तैयार हो रही है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास बीम की स्टील वर्क का काम हो रहा है। तकरीबन स्टील वर्क का काम बीम का हमारे पास कम्प्लीट हो गया है। तो इसी तरह ये ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो ड्राइंग में हमारे पास स्टील दिया होता है, टॉप बार, बॉटम बार, मिड बार, इसी तरतीब से ये स्टील बांधी हुई है। तो ये दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारे पास टॉप पे 3 बार आए हुए, और इसी तरह नीचे बॉटम पे हमारे पास 4 बार लगे हुए, और इसी बीम में मिड बार भी रहते हैं। अभी इसमें मिड बार जो है दो बार आए और बांधेंगे, पहले इसको नीचे उतारेंगे बीम के, बाकी काम कंप्लीट हो गए। ये आप लोग देख सकते हो, इसके मिड बार भी लगे हुए, ये बीम कंप्लीट हो गए। और इसी तरह स्लेब की जो प्लाई लगी हुई शटरिंग, इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। ये चूँकि ग्रीन और ये रेड कलर के जो टेप आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो हमारे पास प्लाई होती है, जो दो प्लाई आपस में जॉइंट आता है उसका, जिसमें जरी थोड़ी मोटी जरी आ रही होती है, उसके सेंटर पे जो हम ये टैप जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जरी के ऊपर ये टैप जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कंक्रीट, जब जिस टाइम कंक्रीट डाला जाए तो जिसमें जो जरी ज़्यादा जिसमें जरी होती है फ्लाईओ के बीच में, तो इसमें जो सीमेंट का ग्राउट जो है वो नीचे टपक जाता है। तो उसकी जब शटरिंग खुल जाती है तो उसकी सरफेस जो है बुरी नज़र आती है, उसमें हनीकॉम्बिंग आती है, क्योंकि जब सीमेंट नीचे गिर जाता है तो ऊपर क्रश वगैरह रह जाती है, और जो वो शटरिंग खुलने के बाद उसकी सरफेस जो है बहुत बुरी नज़र आती है। तो इसलिए इस जरी के ऊपर हम ये टैप लगाते ताकि हमारे पास जो सीमेंट ग्राउट होता है वो नीचे न चला जाए। और इसी तरह बीम की जो बीमों की स्टील बांधने का काम है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गए। और ये बीम हम स्लैब की स्लैब से ऊपर इसलिए बांधते ताकि ये नीचे जो है नीचे कारीगर जो है हाथ नहीं चला सकते, सही हाथ चलाने की जगह नहीं होती, तो इसलिए सपोर्टें जो है ये पट्टियों की सपोर्टें लगा कर इसको स्लैब से ऊपर बांध देते हैं। और बाद में जब बीम कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर नीचे बीमों में गिरा दिया जाता है। और इनमें जो भी बीमों में हमारे पास थोड़ा बहुत काम रहता है, कई बीम भी ऐसे है कि जिसमें मिड बार लगना बाकी है, तो स्टील का काम जो है कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें अगली स्टेप होती है स्पेसर की, जो कंक्रीट कवर होता है, कंक्रीट कवर जो प्रोवाइड करते कंक्रीट स्पेसर जो है हम साइड पर बनाते, और उसमें जो है स्टील बार भी लगे होते, तो जो है हमारे पास बीम की जो स्टील होती है इसके बॉटम बार के साथ जगह जगह पे जो है कंक्रीट कवर लगा लेते, और उसकी कंक्रीट कवर का काम कंप्लीट होने के बाद सारी बीमों पे जो है कंक्रीट कवर की जो स्पेसर होते वो लगा लेते, और उसके बाद स्टील को जो है बीमों में गिरा दिया जाता है। इसलिए कंक्रीट स्पेसर पहले इसलिए लगाते जाते ताकि बीम गिरने के बाद जो है इसकी वेट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर स्पेसर जो है लगाना मुश्किल होता है। तो इसी तरह दोस्तों, बीमों की स्टील जो है बीमों में गिराने के बाद जब आगे हमारे पास स्लेब की स्टील का काम स्टार्ट हो जाएगा, स्लेब की स्टील जब बिछाई जाएगी, तो उसकी वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।